Çocuklar, evde televizyon seyret. Seyret ki saat ek çiz aegi aur dışarıda oyna ke saat ek aur çiz aegi. Jo ki mantıkan ek dusre ka ulat hona zaruri hai. Ya to bacche televizyon dekhna chahte hain aur bahar nahi khelna chahte aur ya fir bahar khelna chahte hain aur televizyon dekhna nahi chahte. ये दोनों जुमले दुरुस्त हो सकते हैं चुचुकलार टेलीविजन सेरेट्समेक योर या इस योर लार शारु दा ओई नमक इस हेमी और लार दोनों में लार लग भी सकता है हट भी सकता है और या फिर सेरेट्समेक इस्थेमी और इस्थेमी और लार दिशार दा ओई नमक इस्थी और लार ये दोनों हो सकते हैं Siz tatil de ne yap? Siz tatil de ne yap? Haydi arkadaşlar. Cevabı ne olabilir? Siz tatil de ne yap? Pehle mein zahir hai makmak mein se koi cheez lagegi aur dusre mein हाँ बेन नहीं है इसलिए चुजुकलार यानी हम चुजुकलार के बारे में बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते चुजुकलार यहाँ पर फाइल चुजुकलार है बच्चे एव दे टेलीविजन सैरथ चुजुकलार की जगह अगर बेन होता तो फिर यप मक नोरू सिस तातील दे ने यप मक सवालिया निशान सवालिया निशान के साथ ये देखें कि पहले के जुमले में यहाँ पर सवाल किसी किस्म का कोई आया है तो फिर तो मुसुन वगैरह नहीं लगेगा अगर यहाँ पर कोई सवाल नहीं है तो फिर यहाँ पर मुसुन लगेगा सादा सा एक उसूल है जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि अगर सवालिया निशान हो और पीछे उसके खाली जगह पूर करनी हो और यहाँ पे देखें कि इस जगह पे कोई सवाल पूछा ना गया हो तो फिर यहाँ पर मुसुन आएगा मसला यहाँ पर ने सवाली चीज है अगर इसको हटा दिया जाए और यहाँ पर कोई और फेल ठोक दिया जाए मसलन सिस तातील दे थेनिस ओई नमक तो यहां पर अगर सवाल लगा होगा तो होगा थेनिस ओई नमक इस्तियोर मुसुन नुस सिस मुसुनुस जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल ये निशान है और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे सवाल बनता हो तो यहाँ पर मुसुन लग जाएगा कि क्या ऐसा ही है या नहीं है और अगर यहाँ पर कोई सवाल की चीज है मसलन ये सवाल की जितनी भी अलामतें हैं वो थोड़ा बाद में उसकी अलग से ग्रामर आएगी ने किम हंगी निदन निजमान निये यानी ये सारे पूछने की बातें हैं जिनसे सवाल या निशान बन सकता है तो यहाँ पर चूंकि ने लग गया क्या तो इस वजह से अब यहाँ पर मुसुन लगाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही एक जुमले में एक से ज्यादा सवाल नहीं हो सकते ज्यादा से ज्यादा एक चीज पूछी जा सकती है सिस तातील दे ने यपमक इस चियोर सुनुज सिस तातील ने यपमक इस चियोर सुनुज यहाँ पर सुनुज क्यों लगा क्योंकि सिस आया हुआ था ने यपमक इस चियोर सुनुज आप छुट्टियों में क्या करना चाहते हैं सिस तातील दे ने यपमक इस चियोर सुनुज चोक खिजगनम kızgın kızmak fail se hai kızmak hota hai to become angry with ya with hai ya without hai lekin to become angry rehna wo kızmak hota hai naraz hona ya gussa karna
इसी तरह खजगन होता है नाराज शख्स। एंग्री छोक खजगन बेन छोक खजगन ये आखिर में आने वाला जो है ये फाइल बेन यानी मैं होने की तरफ इशारा है। छोक खजगन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। हिच खिम से ले गिरिश मैं बहुत नाराज हूं। हिच फारसी वाला हिच, खिम से कोई भी, किम कौन, किम से कोई भी, एले ये इले के शॉर्ट फॉर्म है। ये लफ्ज कैसे बना है, किम से कोई शख्स भी और इले के साथ किम से इले, ऐसे किम से इले किसी के साथ भी। हिच किम से इले गिरिश पीछे का जुमला जो कुछ भी हो यहाँ पर यानी पीछे के जुमले में ये हमें समझ में आ रहा है कि ये शख्स बहुत नाराज है। साहब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बहुत नाराज हूँ और किसी से मिलना, गिरिश्मिक मिलना, गिरिशुरुस मिलेंगे मिलते रहेंगे या मिलते हैं हम फिर कभी। हिचकिम से ही ले गिरिश मैक यहाँ पर क्या आना चाहिए, evet haydi arkadaşlar yahan par kya aana chahiye, hayır ek to ye ki isme lagega istemiyor çünkü ek to hiç aaya hai jis jumle mein bhi hiç laga hua ho to ja istemiyorum main jis jumle mein bhi hiç laga ho uske sath mi mu lagana zaruri ho jata hai। यानी हिच के बाद कभी भी हम पॉजिटिव बात नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हिच बीर शई यदिम छोटी सी चीज खाई है, ये नहीं कहा जा सकता। हिच बीर शई यम यदिम छोटी सी भी चीज भी नहीं खाई मैंने, यानी कुछ नहीं खाया। तो हिच कलेमे के साथ हमेशा याद रखिए कि मी मु लगेगा, इस्थियोरुम नहीं हो सकेगा कभी भी। हिच किम सेले ग्योरिश्मेक इस्थेमियोरुम किस वजह से, कजगनम मैं गुस्से में हूं और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। हिच किम से ले गिरिश में किस्से में, और किसी से मिलना नहीं चाहता। कजम एवरेट्समैन ओल यहां पर कुछ आएगा, ओलमक ओलमैक और यहां पर इसी और वगैरह आएगा। कजम मेरी बेटी, कज बेटी को कहते हैं, मेरी कजम मेरी बेटी, एवरेट्समैन टीचर उस्ताद, ओल मक होना, ओल मक होना बी और नॉट टू बी। ओल मक इस्तियोर चोक गुज़ेल बी टू बिकम होना बनना, ये है ओलमक इस्तियोर, इस्तियोर नहीं इस्तियोर, ओलमक इस्तियोर। कजम मेरी बेटी एवरेट्समैन ओलमक इस्तियोर उस्ताद बनना चाहती है, उस्तानी होना चाहती है। यानी पेकिये बिज यारन पिकनिक यापमक इस्तियोरुज इस्तांबुल्दा नेरदे उतरमक इस्तियोरुज। हाँ ये तो örnekler थे। Altı aşağıdaki cümleleri mak iste yapısı ile tamamlayalım. Ye bhi ek interesting cheez hai. Isme koshish kijiye ki mukhtalif jumle banaiye. Sab log jo hain wo koshish karein ki apna apna koi na koi chus chhodne ki koshish karein iske jawab mein. Galat ho ya sahi ho, kuch bhi jo hai wo jumla banaiye. Aşağıdaki cümleleri mak iste yapısı ile yani mandarja zail jumle मक इस्ते यानी ये चीज, मक इस्ते यपुस, यपुस कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट यपुस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यपुस स्ट्रक्चर।
यानी मक इस्ते के स्ट्रक्चर को के साथ तमाम लेलम मुकम्मल कर लें इसको। स्पोर या प्योरम चूंकि एक्सरसाइज कर रहा हूं क्योंकि चूंकि चूंके चू आके फारसी वाला चूंके जैसे उर्दू में होते चूंकि। यहां पर क्या लगाया जा सकता है, इसमें हर शख्स का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। स्पोर या प्योरम स्पोर्ट्स कर रहा हूं चूंकि क्योंकि ने ओलमकोरम मिसला चूंकि ज़ायफ लामक इस्योरम पतला होना चाहता हूँ। ज़ायफ पतला वाइफ जो है वाइफ से यहाँ पर ज़ायफ ज़ायफ के की तरह से लिखा जाता है। ज़ायफ लामक इस्योरम ज़ायफ ओलमक इस्योरम ne olmak istiyorsun? Spor yapıyorum çünkü olmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? Olmak istiyorum ile olmaz. Bir şey söylemek zorundasın. Spor yapıyorum çünkü sağlıklı olmak istiyorum. Çok güzel, bravo. 10 numara. Sağlıklı olmak istiyorum. Healthy. Sağlık, health, sağlıklı, healthy. Health. Sağlıklı. Healthy. Sağlıklı olmak istiyorum. Want to become healthy. Koy or. Hazrat, cevap bilir. Her şahs kuch na kuch zarur likhe. Spor yapıyorum çünkü मैं स्पोर्ट्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स जो ओलमक इस्तियोर क्योंकि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स करने वाला ओलमक इस्तियोर स्पोर्ट या प्योरम क्योंकि और क्या हो सकता है जी हजरात। गेंच ओलमक इस्तियोरम गेंच ओलमक यानी आप जवान हो नहीं सकते, जवान लग सकते हैं। गेंच गरुनमक इस्तियोरम गेंच हाँ फिर रहने के लिए खालमक हो गए गेंच खालमक इस्तियोरम गेंच खालमक इस्तियोरम। या अगर आप बूढ़े हो चुके हैं और आप जवान लगना चाहते हैं तो आप होगा कि गेंच हिजलो ओलमक इस्तियोरम कहा जा सकता है। वैसे हिजल ओलमाज यानी कोई आदमी तेज कैसे हो सकता है। गेंच गरुनमक इस्तियोरम जवान दिखना चाहता हूँ, जवान लगना चाहता हूँ। गेंच खालमा के सियोरों का मतलब है जवान ही रहना चाहता हूँ, बूढ़ा नहीं होना चाहता। यादा थेरसी दो वाला बिलर याशलानमक इस्तेमियोरों बूढ़ा नहीं होना चाहता। यक्षमक इस्तेमियोरों चोक गिजेल लेकिन असल में सही है चलेगा भी। स्पोर जो ओलमक इस्तियोरम बेन क्योंकि बेन स्पोर या प्योरम इस्तियोर नहीं सियोर का मतलब है कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन बन जाए ये मुमकिन नहीं। पेकिए एवदेन चुकियोरम चिंकी घर से निकल रहा हूं क्योंकि एवदेन चुकियोरम चिंकी घर से क्यों निकल रहा हूं इसकी कोई तौजीह दीजिए। मार्केटे गिटमेक इस्तियोरम सुपर स्टोर जा रहा हूं कैश एंड कैरी मार्केटे गिटमेक इस्तियोरम सुपर स्टोर जाना चाहता हूं।
इश थे नहीं होगा, इश है, इश या पक, ठीक है, इस थ्योरम भी लगाए ना साथ, इश या पक इस थ्योरम। एक तो इश थे नहीं, तलहा साहब प्राइवेट मैसेज ना करें एवरीवन ताकि सब देख सकें, इश थे, ये नहीं होगा, इसके बजाय होगा इशे, काम को इशे। आर्खदाशलार्ला थानिश्मक इस्तियोरम, इस पर भी आते हैं, फारा खजानमक इस्तियोरम, पैसे कमाना चाहता हूँ, छोकिजैल, फारा छेकमक इस्तियोरम, ओदा छोकिजैल, चार्श गितमक इस्तियोरम, चार्श या गितमक इस्तियोरम, चार्श या गितमक। गितमक फेल के साथ दातिफ केस लगाना जरूरी है, ओइनामा या गितमक इस्तियोरम, ओइनामा या कितने में इस चीज़ को उनमें ये तमाम जुमले ही तमाम ले लें, ओइ नमाया आगे क्या है, ये हो सकता है ओइ नमाया कितने की स्त्रियों, ओइ नमा खेल को कहेंगे, खेल को जाना चाहता हूँ, ओइ नमक स्त्रियों खेलना चाहता हूँ, ओइ नमाया कितने की स्त्रियों खेल को जाना चाहता हूँ, यानी खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, दोनों दुरुस्त है। आर्खदाशलार्ला थानिश्मक इस्तियोरम, पेकी थानिश्मक जो है ये पहली दफा मुलाकात को थानिश्मक कहते हैं, मसलन मेरहबा बेनिम अदम शाहवार सिजन अदनिज ने, çok memnun oldum, bu tanışma. Mesela ben sizi tanıyorum, sen benim arkadaşımsın, ben seni tanıyorum, senin ismin Bilal, benim ismim Şahvar, çok da tanıyorum seni. यानी तानुमक का मतलब है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, ये सब मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हें तानी ओर हूँ, यानी बेन सनी तानी ओर हूँ। थानिश्मक है बिल्कुल पहली दफा मुलाकात करना, बेनिम आदम शाहवाद सेनिन आदन ने, मेरा नाम ये है तुम्हारा क्या है, ये थानिश्मक कहलाता है। बुलुश्मक होता है मुलाकात करना, गिरिश्मक होता है देखना, टू सी ईच अदर, यानी बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में भी to see you का मतलब ये है, या see you later, इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें फिर मिलेंगे, यानी असल में see का लफ्ज देखने का लफ्ज इस्तेमाल किया लेकिन मुराद मिलना है, तो इसीलिए इसी तरह गैरिश्मिक इस्तियोरम अर्खदाशलार्ला गैरिश्मिक इस्तियोरम हो सकता है, थनिश्मक इस्तियोरम नहीं हो सकता, अनलेस के वाकईतन कोई ऐसा केस है कि एक आदमी है जिससे मैंने मुलाकात करनी है, पहली दफा मुलाकात करनी है, तो मैं उससे गलत बस इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बाकी हो तो सकता है ये, या बुलुश्मक। बुलमक टू फाइंड, बुलुश्मक टू फाइंड ईच अदर, बुलुश्मक इस्तियोरुम मिलना चाहता हूँ, यानी तशक्कुर ederim. Okula gitmek istiyorum çok güzel. Oynamak istiyorum çok güzel. Oynamaya gitmek. Peki. Çok güzel. İyi oldu. Bravo size. Türkçe öğreniyorum çünkü. Ab isme झूठ नहीं बोलना। जितने लोगों ने ड्रामे देखने हैं तुर्कियों के, जो सिर्फ उसके लिए तुर्कचे सीख रहे हैं, साफ साफ बताएं। Dizileri izlemek istiyorum. Türkçe öğreniyorum çünkü. Türkçe niye öğreniyorum? Haydi arkadaşlar, amacınız ne? Nedeniniz ne? Neden? Vaj. Reason. Nedeniniz ne? Türkçe öğrenmek için. Amacınız ne? İslam'ı yaymak istiyorum. Yaymak, pelana. याई वैसे तो स्प्रिंग को कहते हैं, लेकिन याईमक फैलाना, टू स्प्रेड, जबरदस्त। इस्लाम याईमक इस्तियोरुम, इंसानलारला कोनुशमक इस्तियोरुम, Türklerle, ya insanlarla da olur da, yani böyle genel bir şey olur. Türklerle konuşmak istiyorum, çok güzel, bravo.
başka ne olabilir? Hiç kimse diziler izlemek istemiyor mu? Ya ciddi söyleyin ya. Yalan söylemeyin. Ertuğrul'u anlamak istiyorum. İs cümle का मतलब मुभम हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि अर्तुगरुल नाम का कोई आदमी है, अर्तुगरुल नाम का कोई आदमी है और वो कुछ कह रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है. अर्तुगरुल'u anlamak istiyorum. O bir şeyler söylüyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden Türkçe öğreniyorum ki onu anlayayım. Ertuğrul izlemek istiyorum. Yani Ertuğrul'u izlemek istiyorum का मतलब ये होगा कि अर्तुगरुल के पीछे जाना चाहता हूँ. डिजी या दिरिलिश अर्तुगरुल, ये एक यानी अर्तुगरुल यहाँ पर एक आदमी का नाम भी होता है. अर्तुगरुल एक कॉमन नाम है. हाँ यानी आमतौर से अगर आप कहेंगे कि मैं अर्तुगरुल अनलमक इस्तियोरुम तो वो लोग ये समझेंगे कि अच्छा अर्तुगरुल नाम का आपका कोई दोस्त है जिसकी आपको किस सेंटेंस का क्या मतलब है. तुर्कचे अरेनियोरुम, तुर्कचे सीख रहा हूँ चूंकि क्योंकि निये यानी तुर्कचे क्यों सीख रहा हूँ. अरेनमेक टू लर्न सीखना. Başka ne olabilir? Türkçe niye öğreniyorum? Namidanam kucaraftım. Sahi. Peki. Geçelim. Çalışıyorum çünkü mehnet kar raha hun ya nokri kar raha hun. Dono ke liye çalışıyorum istemal hota hai. Çalışıyorum. Ders çalışıyorum. Apne durus par mehnet kar raha hun. Sadece çalışıyorum, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई काम है उस पर मेहनत कर रहा हूँ. या फिर चलुशियोरुम का मतलब जॉब करना भी होता है, चाहे आप उसको मेहनत से करें या ना करें. चलुशियोरुमसुन कहीं जॉब करते हो क्या? चलुशियोरुम चूंकि खजानमक इस्तियोरुम, फारा खजानमक इस्तियोरुम. यानी खजानमक के लिए बताना जरूरी होगा कि क्या कमाना चाहता हूँ. उर्दू में बगैर पैसे के भी कमाई करना चाहता हूँ या कमाना चाहता हूँ ये चलता है. यहाँ पर खजानमक इस्तियोरुम के साथ चूंकि खजानमक का सिर्फ कमाना मतलब नहीं है, खजानमक के एक इसके अलावा भी मतलब है. खजानमक का मतलब ये भी है कि जैसे मेडल जो है वो भी हमारे उर्दू में मेडल कमाया नहीं जाता, मेडल हासिल किया जाता है. तो यहाँ पर वो भी खजानमक ही कहलाता है. इसी तरह डिग्री कमाई नहीं जाती, डिग्री ली जाती है उर्दू में, लेकिन यहाँ पर वो भी जो है ना डिप्लोमा खजानदुम, यानी मैंने खटिया जिसको कहते हैं पंजाबी बहुत करीब है वैसे तुच्छे के, खटिया जो है ना की खटिया क्या कमाया, तो वो जो है ना डिग्री खट्टी है. यानी ये खजानमक का जो करीब तरीन लफ्ज है वो पंजाबी का खट्टा है. चालुश्योरुम चूंकि फारा खजानमक इस्तियोरुम. चालुश्योरुम चूंकि साइग खजानमक इस्तियोरुम. जेंगिन ओलमक इस्तियोरुम, çok güzel, अमीर होना चाहता हूँ. Zengin olmak istiyorum. İşimi iyi yapmak istiyorum. Okumak istiyorum. Çalışıyorum çünkü okumak istiyorum. यानी ग्रामर के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन मंतक क्या बनेगी कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर ये कहना पड़ेगा कि दैट्स ऑल शोरूम चूंकि ओकमा किस शोरूम विषय ओलमा की इस्तियोरूम. हाँ ये भी ठीक है, विषय ओलमा की इस्तियोरूम कुछ बनना चाहता हूँ कि केस में अगर ये होगा तो ये होगा कि बी आर ए वार्मा की इस्तियोरूम, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बीर शई ओलमा की इस्तियोरूम ये असल में तुच्छे के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होगा. हेदियलेर वर्मे किस्योरुम, कि मैं हेदियलेर वर्मे किस्योरुम, मेहनत करने का तोहफा देने से क्या ताल्लुक है.
मैसेला मैंने एक एग्जांपल दिया है, इश्मी ई अपमक्स्त्युरुम, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकूँ, यानी जो मेरा काम है उसको ठीक तरह से मुकम्मल कर सकूँ। इश्मी ई अपमक्स्त्युरुम, अपने काम को अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से मुकम्मल करना चाहता हूँ। हेदी लेर वेर मक्स्त्युरुम नी है छलुश्मक इले हेदी लेर पारसुंद बाने, यानी इनका क्या है, ताल्लुक क्या है एक दूसरे से। देखिए सदका, वो हेदिया नहीं होगा, सदका ही कहलाएगा। सदका वेर मैक इस्तियोरुम, सदका लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तियोरुम सदका वेर मैक इस्तियोरुम बाशलम फारम फारा बाश लमक इस्तियोरुम। बाश लमक होता है सदका में दे देना, यानी बाशलमक जो है ये फेल है खास तौर से सदका देने के लिए। सदका वेरमेक भी होता है सदका देना, ज़क़ात वेरमेक होता है ज़क़ात देना, बाशलमक होता है यही सदका दे देना, यानी दुबईये गिट्समेक इस्तियोरुम, इस्तियोरुम लगाना भी जरूरी है, दुबईये गिट्समेक इस्तियोरुम गिज़ेल ओलोर। पैकी चोक ही ओलो पारा बिरिक्तिरोरुम, चूंकि तमाम पारा बिरिक्तिरोरुम बिरिक्तिरमेक insanlar yardım madad nahi hota, insanlara yardım etmek istiyorum, insanon ki madad karna chahta hu, para biriktiriyorum çünkü paise ikatthe kar raha hu, biriktirmek इकट्ठा करना, पैसे जोड़ना, पैसे इकट्ठे करना। एव एट्समेक इस्तियोरुम, एव एट्समेक नेदर, ev bir isimdir. Ev almak istiyorum olabilir. Satın almak. Haridna. Buy. Almak इसी के सेंस में इस्तेमाल होता है। Ev almak istiyorum, घर लेना चाहता हूँ। Ev etmek nedir? Mesela evlenmek istiyorum. Şadi karna çahta. Evlenmek. Mein khud şadi karna çahta hum. Ya oğlumu ev evlendirmek istiyorum, जो कि ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत है लेकिन हर कोई यही बोलता है evlendirmek istiyorum, असल में ये evlenmek istiyorum होता है, evlenmek का मतलब ये था किसी की शादी करना, evlenmek है खुद शादी करना, लेकिन अब उसकी जगह evlendirmek हर कोई इस्तेमाल करता है। evlenmek istiyorum खुद शादी करना चाहता हूँ, oğlumu evlendirmek istiyorum बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ। थानिश्मक इस्तियोरुम, थानिश्मक थानिश्मक ये आप पुराने वाले कॉपी पेस्ट करने लगे, थानिश्मक का मैंने बताया था टू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम। एव यपमक इस्तियोरुम, तो गिजेल घर बनाना चाहता हूँ, एव यपमक इस्तियोरुम घर बनाना चाहता हूँ। Başka ne olabilir? Hediyeler vermek istiyorum olabilir. Yani ye possible he. It is possible. Kuaföre gidiyorum. Çünkü kuaför, coiffure, ye jo French lafz hai, wahan se liya hai inhone. Kuaför kehte hain beauty parlor ko. Kuaföre gidiyorum. Çünkü beauty parlor ja raha hoon. Kyunki
अल्लाह बेनी चुक गुजैल यार तो बेन दोनों देशतर में एक थी और कुआफेरे गिदियोरम चूंकि मैं ब्यूटी पार्लर क्यों जा रहा हूँ, ये वैसे एक मिलियन डॉलर सवाल है। अगर वाकईतन इंसानियत को इसका जवाब मिल जाए तो वो शायद ब्यूटी पार्लर कभी ना जाए। कुआफेरे गिदियोरम चूंकि ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ क्योंकि भारतीय गीत में किसी और पार्टी को जाना चाहता हूँ। हाँ सही है। दहा गिजेल ओलमक इस्थियोरम यक्षमक इस्थियोरम इ ओलाबिलर यक्षमक इस्थियोरम अच्छा लगना चाहती हूँ। गिजेल यपमक गिजेल ओलमक गिजेल यपमक का मतलब है किसी और चीज को खूबसूरती से करना, यानी किसी काम को अच्छा किया जाता है। गिजेल या प्योरस यानी इसी में गिजेल या अपना किसी और मैं अपने काम को अच्छा करना चाहता हूँ, ये ऐसे होता है। गिजेल ओलमा किसी और खूबसूरत होना चाहता हूँ, मैं खुद खूबसूरत होना चाहता हूँ। या खुशमक इसी और अच्छा लगना चाहता हूँ। दुई दूमु खेसमेक इचिन इसी और अल्लाह अकबर। इसके अंदर थोड़ी सी एडवांस दहा ज्यादा दहा फाजला ज्यादा दहा असल में शॉर्ट फॉर्म है दहा फाजला की, इसका मतलब है ज्यादा मोर। दुई दूम खेस में किचन जो मैंने सुना उसको काटने के लिए इस त्योरम चाहता हूं, ये इस जुमले की कोई सेंस नहीं बनेगी। और इसमें थोड़ी सी एडवांस्ड यूज हुई है, ग्रामर यूज है जो भी पढ़ी नहीं है तो मिक्स हो जाएगा सारा। खेसमेक इस्तियोरुम खेसमेक काटने को कहते हैं। यानी छुरी से काटने वाला, दांत काटने वाले, छुरी से काटने वाला, काटना दिखाते। पेकी oldu. Kuaförde zaten hiçbir şey olmaz. Markete gidiyorum çünkü market jara hahu. Market murad superstore, cash and carry. Markete gidiyorum çünkü cash and carry kyun jara hahu. Burada birkaç şey yazabiliriz. Nohut almak istiyorum. Şöyle kharidna chahta hu. Chane. लेना चाहता हूँ असल में अलमक। अलमक इस्तियोरम ये सही वोकैबुलरी बनेगी। दूध लेना चाहता हूँ वाशखाने वाला बिलर राशन राशन। वैसे राशन यहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं होता, ये मेरे ख्याल है उसकी डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज है लेकिन ये राशन कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। और ये राशन के स्पेलिंग भी कुछ मुख्तलिफ है, यानी हमने पढ़ा था क्लास में राशन का, लेकिन कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता यहाँ पर। गदा इस्तेमाल करते हैं। चाय आलमा खिस्योरम, चाय इस्योरम का मतलब ये है कि बना के ला दो मुझे चाय, मैंने चाय पीनी है, चाय चाहता हूँ मैं। रास्यों की जगह हम गदा कहेंगे, गदा गिदा गदा आलमा खिस्योरम यानी खाने पीने की चीज है। गिजा लेना चाहता हूँ, नहीं ये वो नहीं होगा, इसके बजाय किताब almak istiyorum. Yok. Marketlerde kitap olmaz. Dönmek istiyorum. Vapis आना चाहता हूँ इसलिए जा रहा हूँ। ये जुमला का मंतक समझ नहीं आएगा। चाय almak लगेगा, जी हाँ। Alışveriş yapmak istiyorum. Alışveriş yapmak istiyorum. टेक्निकली जो खरीदा जाता है मार्केट से वो अलश्वेरिश ही है, खरीदना ही है वहां से, लेकिन अलश्वेरिश
इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। आलश फरिश का मतलब होता है कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, वो जो शॉपिंग का असल तस्वुर है, शॉपिंग करने जाने का जो असल तस्वुर है, आलश फरिश उसके लिए खास हो गया है। यहाँ पर आलमा ही लगता है, चाय आलमा इस्तियोरम किज़ैल, चाय लेना चाहता हूँ। मार्केट से ज्यादातर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, किताबें नहीं मिलती। बिम शोक आयुज बिर बुनलार मार्केट्स बुनलार द किताब ओलमाज। Peki, güzel. İyi oldu. Dinleme. Metinleri dinleyelim. Nerede konuşuyorlar? Resimleri sıralayalım. Matın kusune or ye kahan par baat kar rahe hain aur jo hai uske number laga de uske। आइए हम इसका मतन सुनते हैं। आर्काइव मतन नंबर 9। Günaydın. Esku. Günler efendim. जरा मैंने ये कंप्यूटर की साउंड खोल दी है और मैं कोशिश करता हूँ कि ये तस्वीरें भी सामने खुली रहें ताकि कुछ आइडिया बना रहे कि कौन साहब बोल रहे हैं। İyi günler. İyi günler efendim. अच्छा, मैं ये तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं हैं, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पहले थोड़ी सी तस्वीरें एक्सप्लेन कर दूं। ये तस्वीर एक मनाव की है जहाँ पर फल और फ्रूट पड़े हुए हैं और सब्जियां पड़ी हैं और ये खातून किसी साहब से खरीदना चाहती हैं सब्जियां। ये क्वाफिर है जहाँ पर वो बाल वगैरह बनवाने आई हैं खातून, और एक और खातून जो है वो उनके बाल बना रही हैं। ये तीसरी तस्वीर जो दाएं हाथ से तीसरी है, ये एक सिनेमा है जिसमें ये पॉपकॉर्न खा रहा है लड़का और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है, फिल्म देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर जो दाएं हाथ से चौथी तस्वीर है, ये किसी मार्केट नहीं, ये किसी माजा के अंदर है। प्रॉब्ली ये कोई चीज खरीदने आई है वहां पर, कपड़े वपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर किसी माजा में आई है। तो आइए अभी चार मतन सुनते हैं और देखते हैं कि कौन सी तस्वीर किस नंबर पे है। İyi günler. İyi günler efendim. Saçımı kestirmek istiyorum. Buyurun, şuraya oturun. Nasıl kestirmek istiyorsunuz? Kısa olsun lütfen. Başka bir şey istiyor musunuz? Evet, manikür de yaptırmak istiyorum.